ये देखिए आज मैंने बनाए हैं दलिया के लड्डू, और आप देख सकते हो देखने में ही कितने बढ़िया दिख रहे हैं। जितने ये देखने में अच्छे लगते हैं उतने ही ये खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये टेस्टी के होने के साथ साथ में हेल्दी भी है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है, प्रोटीन है, कैल्शियम है। आप सबको तो पता ही है कि दलिया कितना हेल्दी होता है, और इसमें किसी भी बेसन का यूज़ नहीं किया है और ना कोई चाशनी बनाई है, फिर भी ये लड्डू कितने अच्छे नर्म मुलायम बने हुए हैं, और बहुत ही आसानी से ये दलिया के लड्डू बन जाते हैं। और 1 कप दलिया में लगभग 17 से 18 लड्डू बने हैं, और आप साइज ही देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मार्केट से ही लेकर आए हैं, और इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बूंदी दिखाई दे रही है, जैसे कि बूंदी के बेसन वाले जो लड्डू होते हैं बिल्कुल वैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से दलिया से बनाए हैं, इसमें किसी भी चीज़ के लिए मैंने बाइंडिंग के लिए कोई और चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आज मैंने ये दलिया के लड्डू बनाए हैं। तो सबसे पहले हम दलिया को भून लेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, और अब मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच, ये देखिए। और अब मैं इसमें दलिया डाल दूंगी। तो 1 कप मैंने दलिया लिया हुआ है, आप दलिया देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। और धीमी आंच पे दलिया को हम भूनेंगे लगभग 4 से 5 मिनट। तो ये देखिए धीमी आंच पे हमें दलिया को बिल्कुल 4 से 5 मिनट भूनना है। जितने अच्छे से दलिया भूनता है लड्डू उतने ही बढ़िया दानेदार बनते हैं, और जब ये दलिया भून जाएगा तो खुशबू भी आने लग जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि दलिया अच्छी तरह से भून गया और हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। तो बस इस तरह से चलाते रहना है। तो ये देखिए दलिया को मैंने लगभग 4 से 5 मिनट धीमी आँच पर भून लिया है, और आप देख सकते हो हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। बस इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है, तो अब मैं इसे कुकर में पकाऊंगी। और ये देखिए दलिया को पकाने के लिए मैंने यहाँ कुकर ले लिया। कुकर में लगभग 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया, नीचे की स्टैंड है। तो अब मैं ये बाउल रख दूंगी, और बाउल में मैंने दलिया डाल दिया है। चाहे तो आप डायरेक्ट कुकर में भी पका सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है चिपक जाता है तो नुकसान भी होता है, इसमें बहुत अच्छे से पक जाता है। तो मैंने 1 कप दलिया लिया था, तो अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। देखिए 2 कप पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, जो लड्डू में कलर होता है, ये देखिए ऑरेंज रेड कलर जो होता है वो मैंने लिया है, वो पानी में घोल लिया है 1 चम्मच पानी में, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए कलर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। तो अब मैं इस पर एक ढक्कन लगा दूंगी, ये देखिए, और फुल आंच पे हम दलिया को पका लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा दूंगी मैं, फुल आंच पे मैं 2 सीटी लगाऊंगी, और धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट पका लूंगी। तो देखिए दलिया को मैंने फुल आंच पे 2 सीटी लगा दी थी, और उसके बाद धीमी आंच पे पका लिया था 3 से 4 मिनट। तो अब स्टीम पूरी तरह से निकल चुकी है, और दलिया भी अच्छी तरह से पक ही जाता है इतने टाइम में। तो अब मैं ये ढक्कन हटा दूंगी पहले, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है दलिया, आप देख सकते हो, और कलर भी कितना बढ़िया आया है, ये देखिए, और अच्छा बढ़िया दानेदार दलिया है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है, और अच्छी तरह से पक भी गया है। ये देखिए अच्छी तरह से दलिया पक भी चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए जिस कढ़े में मैंने दलिया भुना था, तो वो कढ़े मैंने फिर से रख दी, और थोड़ा सा देसी घी डाला हुआ है, क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम की कतरन। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, और बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। भूनने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, ये देखिए हल्का सा भून लेंगे। और इसमें मैं मगज के बीज भी डालूंगी, क्योंकि बूंदी के लड्डू में वो ही डाले जाते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और क्रंची भी लगते हैं। चाहे तो आप इसमें काजू भी डाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने बादाम को हल्का सा भून लिया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी मगज के ये बीज, और इसे भी धीमी आँच पर भून लूँगी। भूनने से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, ये देखिए 1 मिनट भून लेंगे बिल्कुल धीमी आँच पर। तो ये देखिए मैंने 1 मिनट भून लिया है, और जो मगज के बीज है वो फूल भी गए हैं, बढ़िया चटक रहे हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये दलिया, ये देखिए, तो ये देखिए मैंने दलिया डाल दिया है, और इसे मैं इस स्पैचुला से मैश कर दे रही हूँ, ये देखिए। और आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, बढ़िया दानेदार दलिया दिख रहा है, और अच्छी तरह से पक भी गया है। और अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, चाहे तो आप बिना पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। और जैसे 1 कप मैंने दलिया लिया था, तो मैं 1 कप ही इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मेरे पास पिसी हुई चीनी थी, तो मैं वो ही डाल दे रही हूँ, ये देखिए। अब बिल्कुल गैस की आँच धीमी रखी हुई है, और धीमी आँच पर अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है हमें, ये देखिए।
आँच नहीं बढ़ाना है, धीमी आँच पे मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, तो लगभग 3 से 4 इलायची का मैंने कूट करके पाउडर बना लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और अभी जैसे हमने चीनी डाली है तो चीनी की चाशनी छूटेगी, तो हमें तब तक पकाना है जब तक ये मिश्रण अच्छे ड्राई ना हो जाए, जिस तरह से लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। आप देख ही सकते हो कितना प्यारा कलर भी आने लगा है, चीनी डालने के बाद भी कलर चेंज हुआ है। तो ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करते जाना है बस। तो ये देखिए चीनी पाउडर डालने के बाद में उसकी चाशनी छूटी थी और अब चाशनी पक करके देख सकते हो आप ये मिश्रण गाढ़ा होने लगा है। तो थोड़ी देर बस हमें और पकाना है, ये देखिए। और जब ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो बस अभी मैं 2-4 मिनट इसी तरह से मिक्स करती रहूँगी कि थोड़ी सी बाइंडिंग और आ जाए अच्छी तरह से। आप देख सकते हो इस तरह से होना चाहिए। तो ये देखिए चीनी डालने के बाद में मैंने लगभग 4 से 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है और आप देख सकते हो बिल्कुल भी अब इसमें चाशनी नहीं दिख रही है और ये मिश्रण बिल्कुल तैयार हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है तो अभी हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम, जैसे हाथ लगा सके तब तक ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी मैं कढ़ाई से इसे निकाल दूंगी, दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखिए लड्डू बनाने के लिए हमारा ये लड्डू का जो मिश्रण तैयार किया था हल्का ठंडा हो गया है, पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं किया है मैंने, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आई है, आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात है कलर बहुत ही अच्छा आया है, ये देखिए। और अच्छी तरह से इस तरह से बंद भी रहा है, बाइंडिंग बहुत अच्छी आ चुकी है, ये देखिए। और मैंने इसमें कोई बाइंडिंग के लिए बेसन का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ दलिया का ही यूज़ किया है, फिर भी लड्डू बहुत अच्छी तरीके से बन रहे हैं। और आप देख सकते हो मैं एक ही हाथ से बना रही हूँ, मुझसे एक ही हाथ से बहुत अच्छे से लड्डू बन जाता है, कुछ लोग दो हाथ से बना लेते हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हो। ये देखिए कितना बढ़िया गोल बन गया है, और हाथों से इस तरह से गोल कर लेते हैं तो अच्छा शेप आ जाता है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं इसे प्लेट में रखते जाती हूँ, ये देखिए। और ये मगज के बीज भी कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो बस इस तरह से, और चाहे तो आप कोई नाप भी ले सकते हो, जैसे कभी कभी ये होता है ना कोई छोटे बन जाते हैं कोई बड़े बन जाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से आपको जैसे पसंद है छोटे या बड़े साइज़ के लड्डू आप बना सकते हो। और त्योहारों का मौसम से जैसे शुरू ही हो गया तो राखी पे आप ये हेल्दी लड्डू बना सकते हो, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, अक्सर दलिया हमारे घर में होता है तो आप लड्डू बना सकते हो। और घी भी कोई इतना नहीं लगा है, सिर्फ 2 चम्मच मैंने घी डाला था, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डाला है। तो इस तरह से अच्छी तरह से लड्डू आप घर पर बना सकते हो। तो ये देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी तैयार हो गया है कितनी अच्छी तरीके से, ये देखिए। तो मैं इसे भी प्लेट में रख देती हूँ और इसी तरह से लड्डू बना लेती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए हमारे दलिया के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं और शेप भी बहुत ही अच्छा आया है। और 1 कप दलिया से लगभग 18 लड्डू बने हैं, कभी साइज़ में छोटे बड़े हो तो संख्या में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं, आप त्योहारों पर लड्डू बना सकते हो, आपको बाहर से कोई भी मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बहुत ही हेल्दी लड्डू बन के तैयार होते हैं। और दलिया में काफ़ी सारा मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम होता है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि टेस्ट के साथ में हेल्दी भी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये दलिया के लड्डू की रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे।